आत्म नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो रील छोटी सी अपलोड की थी कि अगर आपके ऊपर जादू टोना किसी ने किया है, आप चाहते हैं कि वो उसकी ओर रिवर्स हो जाए, तो मैंने दो आईना, दो मिरर्स का एक प्रयोग बताया था। तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि उसमें बहुत कम जानकारी है, मैंने विस्तार से नहीं बताया, इसीलिए मैं इस वीडियो को YouTube पे बना रही हूँ, क्योंकि रील बहुत कम अवधि के लिए हम बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ नकारात्मक हो रहा है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा है, आपको ये ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, कोई ब्लैक मैजिक है, या मेरे जीवन में कुछ बंधन कर दिया है, जैसे लक्ष्मी बंधन है, घर बंधन है, व्यापार बंधन है, इस तरह से लोग अलग अलग तरह के ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। तो अगर आपको किसी पे शक है, क्योंकि हमें हमारे दुश्मन हमें पता होते हैं, तो आप जिन पर भी आपको शक है या आपको कंफर्म है कि इन्होंने ही मुझ पर कुछ करवाया है, आप चाहते हैं कि उनकी एनर्जी उन तक वापस चला जाए, या उनको उनके कर्मों का जो फल है वो तुरंत प्राप्त हो जाए, जो चक्रव्यूह उन्होंने आपके लिए रचा है वही चक्रव्यूह में वो खुद फंस जाए, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको दो आईने लेने हैं छोटे साइज के, ठीक है, और उस पर काला काजल का पेंसिल या काला काजल से आप क्या करेंगे, आपके जो भी व्यक्ति हैं जिनको आप शक की नजर से देखते हैं या जिन पे आपको कंफर्म है, उनका नाम आप उस पर लिखोगे, और फिर उसके बाद दूसरा आईना उसी के ऊपर लगा दोगे, आमने सामने, दोनों आईने आमने सामने होंगे मुख पे, ओके। फिर उसके बाद आप इसको एक काले कपड़े में बांध लेंगे, और इसके बाद इसको किसी सुनसान वीरान सी जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं है, सुनसान पड़ी रहती है, वीरान पड़ी रहती है, उस जगह पे इसको आप रख के आ जाइए। उसके बाद आप इस विषय के बारे में भूल जाइए, यूनिवर्स उसके ऊपर काम करेगा। उस व्यक्ति ने जिसने आपके लिए कोई चक्रव्यूह बुना था, वो व्यक्ति खुद अपने चक्रव्यूह में फंस जाएगा, जो इंटेंशंस, गलत इंटेंशंस उसने आपके ऊपर डाली है, वो उसी के जीवन में रिवर्स हो जाएगी। आप सवाल आता है कि मैम ये किस दिन करना है, बहुत सारे सवाल आए थे कि कौन से दिन इस उपाय को कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं मंगलवार और शनिवार के दिन, ठीक है। और वो काला काजल, अगर आपके पास काजल पेंसिल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप काला काजल जो आपके पास है उसी को, कलम कौन सी यूज करनी है, फिर ये भी मुझसे लोगों ने सवाल पूछा था, अगर आपके पास अनार की लकड़ी है तो अति उत्तम, अनार की लकड़ी से आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कौन से डे आप इसको कर सकते हैं, शनिवार और मंगलवार, ये दो दिन आप करिए, और उसके बाद आप देखोगे कि परिणाम आपके सामने बहुत जल्द आएगा, और जो आपके जीवन में एक दुविधा चल रही थी, एक ब्लॉकेज वाला जो एक सिचुएशन चल रहा था, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और आप ये उपाय करने के बाद किसी से कहेंगे नहीं, और करने से पहले भी किसी से कहेंगे नहीं, और करने के बाद खुद भी करके भूल जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही उत्तम और कारगर इलाज है, आप ये करके देखिए, आप लोगों को पैसे देके पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आप परेशान हो गए हैं, ये वाला एक उपाय करिए, और उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको क्या इससे लाभ मिला और कैसे चमत्कार आप अपने जीवन में देखे हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।